केंद्र सरकार द्वारा इस साल के चीनी निर्यात कोटे में कटौती की गई है, जिसके बाद कीमतों में लगातार उछाल आया है। आपको बता दें कि भारतीय चीनी मिलों ने विदेशी खरीदारों को 4 लाख टन चीनी की सप्लाई करने के लिए अनुबंध पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक देश में मिलों द्वारा फिर से बातचीत शुरू करने से वैश्विक कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। दरअसल मिलों ने अगस्त के अंत में व्यापार घरानों को चीनी बेचना शुरू कर दिया था और निर्यात के लिए लगभग 20 लाख टन चीनी की सप्लाई के लिए सौदों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि इससे पहले ही केंद्र ने इस महीने की शुरुआत में 6 मिलियन टन के निर्यात कोटा को मंजूरी दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ कमजोर मिले जिन्होंने पहले ही सौदों पर हस्ताक्षर किए हुए थे, वे अनुबंधों का सामना नहीं कर पा रही। जब तक खरीदार उच्च कीमतों पर फिर से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक वे डिफॉल्ट करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं मुंबई के कुछ डीलर्स का कहना है कि 2 महीने पहले पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य कर्नाटक में मिलों ने व्यापारी घरानों को प्रति टन लगभग 34,000 रुपए की चीनी बेची थी, लेकिन अब कीमतें 37,000 रुपए से ऊपर चली गई हैं, जिससे कुछ मिलों को समझौते से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय चीनी की कीमतों में इस बार वृद्धि हुई है, क्योंकि रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई है और वैश्विक कीमतों में उछाल आया है। वहीं ग्लोबल ट्रेड हाउस के डीलर्स का कहना है कि भारत ने अपना 6 मिलियन टन निर्यात कोटा आवंटित किया, जो पिछले साल के 11 मिलियन टन से अधिक के निर्यात से कम था। वहीं ट्रेड हाउस ने मिलों के साथ खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विदेशी खरीदारों को चीनी बेची। उनका कहना है कि वो अब फंस चुके हैं, वे मिलों की तरह फिर से बातचीत या डिफॉल्ट नहीं कर सकते, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है और इसे बनाए रखने के लिए उन्हें इन सौदों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में मिलों द्वारा डिफॉल्ट के कारण व्यापारी घरानों को उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश की मिलों से खरीदारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि भारतीय मिलों ने अब तक नवंबर से फरवरी के दौरान 40 लाख टन चीनी निर्यात करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वही व्यापारी इस सप्ताह लगभग $490 प्रति टन फ्री ऑन बोर्ड पर सफेद चीनी बेच रहे थे। वहीं कुछ जानकार मानकर चल रहे हैं कि कीमतों में हालिया वृद्धि के बाद भी भारतीय चीनी अभी भी दुनिया में सबसे सस्ती है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इराक, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीकी देशों को चीनी निर्यात करता है। वहीं कुछ का कहना है कि कई मिलों ने अपने आवंटित निर्यात कोटे का आधा बेचने के बाद निर्यात सौदों पर हस्ताक्षर करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।